नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में 30 डॉक्टर की गिरफ्तार, हड़ताल पर सरकार का चला डंडा, मांगों पर अड़े चिकित्सक। राहुल गांधी बने फुल टाइम प्रेसिडेंट, चुनौतियों के बीच संभाली कांग्रेस की कमान, सोनिया ने ली विदाई। उपचुनाव से पहले उद्घाटनों की हुई भरमार, भाजपा एमएलए हुए सक्रिय, करोड़ों की मिली सौगात। और किसानों ने निकाली चेतावनी रैली, नदियों के पानी सहित उठाई कई मांग, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में बीती रात रेशमा के तहत अलग अलग जिलों से करीब 30 सेवारत चिकित्सकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्य बहिष्कार पर जाने के 48 घंटे पहले ही सेवारत चिकित्सकों की गिरफ्तारी से गुस्साए डॉक्टर्स शनिवार सुबह से ही अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार कर चले गए। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक में मरीज भारी परेशानी उठाते रहे। पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में डॉक्टर्स और सरकार के मध्य जारी लड़ाई में मरीज फुटबॉल बनकर रह गए हैं। शनिवार को जब प्रदेश भर में रोगी सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में पहुंचे तो चिकित्सक नदारद थे, मजबूरन उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ी। गौरतलब है कि डॉक्टर्स ने 18 दिसंबर से हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन बीती रात रेशमा के तहत हुई कार्यवाही के विरोध में आज से ही सेवारत चिकित्सक संघ ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी और प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी के अनुसार, अगर सरकार सेवारत चिकित्सकों का दमन करके ही खुश है तो हम भी पीछे नहीं। वहीं अलवर में भी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। यहां सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल सिंधी सहित एक अन्य डॉक्टर को कल रात पुलिस घर से ले गई थी। वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने साफ कहा कि सेवारत चिकित्सा संघ की अब कोई भी मांगे नहीं मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों की गिरफ्तारी जारी रहेगी और अब तक 30 से ज्यादा डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में चिकित्सकों और सरकार के मध्य फिर से टकराव के हालात बन गए हैं। डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं और सरकार को चिंता है कि आमजन में इस हड़ताल को लेकर उसकी छवि की जो किरकिरी होगी उसे कैसे सुधारा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 6 मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इन मतदान केंद्रों पर दूसरे चरण के तहत मतदान कराए गए थे। निर्वाचन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए और इन केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मौजूद डाटा हटा दिया। निर्वाचन आयोग ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के जरिए 10 मतदान केंद्रों पर मतगणना के आदेश दिए हैं। यहां पीठासीन अधिकारी इन ईवीएम मशीनों पर किए गए अभ्यास के परिणाम हटाना भूल गए थे। वड़गाम, विरमगाम, 10 करोई और सावली सीट के लिए 6 केंद्रों पर फिर से मतदान कराया जा रहा है। गौरतलब है कि दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने वड़गाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है। राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वहीं उनकी मां करीब 2 दशक से यह जिम्मेदारी संभाल रही थी। सोनिया गांधी ने उससे विदाई ले ली है। वे रिटायर होने का ऐलान भी कर चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से रिटायर हुई हैं, राजनीति से नहीं। राहुल गांधी ऐसे समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं जब देश भर में पार्टी का बोरिया बिस्तर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम भी आने वाले हैं और आंकलनों की माने तो यहां भी भाजपा की जीत बताई जा रही है। शायद इसलिए कांग्रेस ने जल्द ही आने वाले परिणामों का इंतजार किए बिना राहुल गांधी की ताजपोशी कर डाली है। इस मौके पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश में भाईचारे का काम करती है और बीजेपी ने देश भर में आग लगाई है। उनका कहना था कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और हम सब मिलकर एक नया भारत बनाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी
उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। उधर राहुल गांधी की ताजपोशी के बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष के रूप में अपना आखिरी संबोधन देने के लिए माइक पर आई। वो मुश्किल से एक मिनट ही बोल पाई थी कि पटाखों की आवाज ने उन्हें परेशान कर दिया। सोनिया गांधी ने मंच पर मौजूद लोगों को इशारे से पटाखे बंद करवाने को कहा। करीब दो मिनट बाद जाकर सोनिया गांधी दोबारा अपना संबोधन शुरू कर पाई। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल था। यहां हुए समारोह में राहुल गांधी को अध्यक्ष का प्रमाण पत्र दिया गया। राजस्थान सहित देश के अन्य भागों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना रहा। अलवर शहर विधायक बनवारलाल सिंगल द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज 11 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों और हॉस्टल का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तैयार भवन का लोकार्पण भी हुआ। इन विकास कार्यों के तहत 8 मुख्य सड़कों का शिलान्यास किया गया। इनमें अंबेडकर नगर, शांतिकुंज, नयाबास, मोती डोंगरी, कालीमोरी आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा सूर्यनगर, 200 फीट बाईपास, इटराना गेट के समीप और भवानी तोप से रेलवे स्टेशन तक भी सड़कों का निर्माण हो रहा है। साथ ही 75 बेड के SC छात्र हॉस्टल का शिलान्यास भी किया गया। संस्कृत कॉलेज के पीछे बनने वाले इस हॉस्टल पर 3.25 करोड़ की लागत आएगी। साथ ही इसी क्षेत्र में 2.25 करोड़ की लागत से 50 बेड का ST छात्र हॉस्टल भी बनाया जाएगा। वहीं शिलान्यास के मौके पर नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना, न्यास चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, उप सभापति शशि तिवाड़ी और UIT के अधीक्षण अभियंता PK जैन आदि मौजूद रहे। बहुत बड़ी श्रृंखला है आज के उद्घाटनों की, कार्यक्रमों की, विकास कार्यों की। उसमें से 35 लाख रुपए का पहला उद्घाटन नगर विकास न्यास के कोटे के द्वारा जो कराया जा रहा है, अंबेडकर नगर के मोड़ पे जो वीरा गार्डन वाली सड़क जाती है, जो डिवाइडर के कारण से डबल है, इस रोड का लगभग 800-900 मीटर है, यानी 1800-1800 मीटर आप इस सड़क को मानिए। इस सड़क के उद्घाटन के लिए अभी शिलान्यास किया है, कार्यक्रम का शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करके नारियल तोड़ के किया है। आने वाले 15-20 दिन के अंदर अंदर ये सड़क बनके एकदम शानदार सड़क इस क्षेत्र के लोगों को चलने के लिए उपलब्ध होगी। मैं सब क्षेत्र के सभी निवासियों को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत लंबे समय से सड़क टूटी हुई है, थोड़ा सा UIT की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन सड़कों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। अभी आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते ही UIT ने इन सड़कों का काम कराना शुरू किया है। मानव सेवा संस्थान और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलवर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समाज में बेटी की भूमिका का महत्व बताना है। इस मौके पर एक नाटक के माध्यम से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं और युवतियों ने भाग लिया। यहाँ जयपुर से आए शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में विशेष सेल द्वारा भ्रूण हत्या रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन कानून पालना के साथ साथ सोसाइटी में भी चेतना जगाना जरूरी है। उनका कहना था कि भ्रूण हत्या की वजह से बेटियों की संख्या कम होती जा रही है, अगर जनता जागरूक होगी तो भ्रूण हत्या को रोकने में सहयोग मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में LIT निदेशक राजेश भारद्वाज और CMHO SS अग्रवाल मौजूद रहे। देखिए 940 हम ये मान के चल रहे हैं कि हम चाइल्ड सेक्स रेशियो पे आ सकते हैं। ज़रूरत है कि जो बेटियां हैं वो जन्म लें। सेक्स रेशो एट बर्थ जो हमारा पिछले 2 साल से 940 पे मेंटेन है, वो ये भरोसा दिला रहा है कि ऐसा करना संभव है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब जो शक्ति हमने आज की हुई है और जो जागृति का लेवल आज मेंटेन है वो मेंटेन रहे। मैंने ये बात सशर्त कही है, यानी कि आपको अवेयरनेस और एनफोर्समेंट
दोनों को साथ साथ मेंटेन करना पड़ेगा, 2021 तक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमने वापस इस मोमेंटो को लूज़ कर दिया जो 2013 से 2017 के बीच में बना है, तो ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि हमारी स्थिति वो बनेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि 888 के लेवल से हम लोग डेफिनेटली ऊपर आ जाएंगे, और अगर हमने इससे भी अच्छा किया तो हो सकता है कि हम 940 को ब्रीच कर दें, क्योंकि 1981 में हमारा लेवल 954 था। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगर 940 अचीव कर लेंगे तो जल्दी ही 2031 तक हम लोग 954 पे भी आ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अलवर का चूंकि बॉर्डर दो राज्यों से, हरियाणा से तो मिल ही रहा है और उत्तर प्रदेश से आना जाना रहता है यहाँ के लोगों का, तो हमें डाउट रहता है। लेकिन हमने हरियाणा और यूपी में जाके भी कार्रवाई की है, और मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि आज यूपी के किसी सेंटर पर अगर आप जाएंगे तो हरियाणा का नाम सुनने के बाद वो लोग नॉर्मली मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हरियाणा की टीम, राजस्थान की जो टीम है, उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ सकती है। और लगातार ताड़बतोड़ जो 2 साल में ऑपरेशन हुए हैं उसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट आया है। देखिए, अवेयरनेस बहुत बड़ी है। डॉटर्स आर प्रीशियस कैंपेन हमने 17 नवंबर को एक साथ 773 जगह किया था, जिसमें 158,000 युवाओं ने भाग लिया, जो कि गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ है। मैं मानता हूं कि इतनी भारी संख्या में युवाओं का आना और हमारी बात सुनना इस बात को दर्शाता है कि उनके मन में भी ये इच्छा है कि वो जो गलती हमारी पीढ़ी ने की है उनकी पीढ़ी उसको ना दोहराए। बांसुर पंचायत समिति परिसर में बनी अवैध 47 दुकानों पर आज जेसीबी के जरिए कार्यवाही की गई। कोर्ट के आदेश पर यहां से अवैध कब्जे हटाए गए। आज सुबह एसडीएम दीनानाथ बब्बल और बांसुर थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की सहायता से कार्यवाही को अंजाम दिया गया। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से 47 दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही की गई। बहरोड डीएसपी जनेश सिंह, हरसोरा थाना प्रभारी सीमा सिंसिनवार और विकास अधिकारी विजेंदर यादव और तहसीलदार सत्यनारायण भी उपस्थित रहे। यह दुकानें बांसुर पंचायत समिति परिसर में बनाई गई थी, जिन्हें तोड़ा गया है। बांसुर में आज शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा ने दौरा किया। उन्होंने बांसुर मत्स्य पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को शराब से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। वहीं युवाओं को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर पूजा छाबड़ा का कहना था कि शहीद गुरु शरण छाबड़ा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। गौरतलब है कि गुरु शरण छाबड़ा ने प्रदेश में मद निषेध की मांग पर अनशन करते हुए अपनी जान दे दी थी। पूजा छाबड़ा का कहना है कि शराब के रहते हुए किसी भी राज्य या समाज का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने अपील की कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए भी राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। जन जन की यही पुकार, दारू बंद करे सरकार। जन जन की यही पुकार, दारू बंद करे सरकार। जन जन की यही पुकार, दारू बंद करे सरकार। राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए ये मुहिम अब सफलता की ओर है, क्योंकि जो शराब से प्राप्त राजस्व आता है, पिछली बार उस राजस्व में 27% की कमी हुई। इस कमी को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिलाएं हमारे इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान की ऐसी बहुत सारी पंचायत है जिन पंचायतों ने अपने आप को शराब मुक्त बनाया। पहली पंचायत राजसमंद की कच्छबली, दूसरी पंचायत आमेर रोजदा है, जिन्होंने वोटिंग का जो कानून गुरशन छाबड़ा जी ने बनाया था उस कानून का प्रयोग करके अपनी पंचायत को शराब मुक्त बनाया। जिस तरह से पंचायत शराब मुक्त हो रही है, युवाओं का साथ मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान आने वाले समय में शराब मुक्त राजस्थान बनेगा। और इस मुहिम को लेकर आज बांसुर के मत्स्य कॉलेज में मैं आई, जहाँ पर युवाओं का अपार जन समर्थन मिला है। यहाँ के युवाओं का भी मानना है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी, गुजरात में शराबबंदी हुई, उस तरह से राजस्थान में भी शराबबंदी होनी चाहिए। अलवर के जीडी कॉलेज में छात्राओं ने आज दिल्ली के दामिनी कांड की पीड़िता को अपनी श्रद्धांजलि दी। दामिनी की बरसी पर हुए इस कार्यक्रम के दौरान आवाज उठाई गई कि रेप के आरोपियों को फांसी का कानून लागू किया जाए। छात्र संघ अध्यक्ष लता भोजवानी ने बताया कि आज ही के दिन छात्रा दामिनी के साथ दिल्ली में कुछ युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया था, उसी को लेकर आज यह आयोजन किया गया है। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे दोषियों को फांसी की सजा का सराहनीय कानून लागू किया है। इस तरह का कानून राजस्थान सहित देश भर में लागू किया जाना चाहिए। आज ही के दिन बहुत ही निंदनीय घटना, जिसका हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते किसी के आगे, वो हुआ था 16 दिसंबर 2012 को हमारी खुद की बहन, बड़ी बहन दामिनी जी के साथ। और उनको लेके हमारे सभी बहनों में इस चीज के लिए सबको जागरूक रहना चाहिए कि हमें अगर किसी भी बालिग या नाबालिग लड़के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है तो उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। और मेरी सरकार से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोगों को इतना टाइम क्यों लग जाता है सजा देने में, सरकार ने पूरे 2 साल लगा दिए थे उसको सजा देने में। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़
रहा है इस बात को कि हमारी सरकार लड़कियों के प्रति अभी भी सजग नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो थोड़े दिन पहले घोषणा की है वही घोषणा की नाबालिग हो चाहे बालिग लड़का हो उसको उसी टाइम पे फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है कि भारत सरकार को भी यही रूल निकालना चाहिए, राजस्थान सरकार को भी यही रूल निकाल जाना चाहिए कि चाहे बालिग लड़का हो या नाबालिग लड़का हो उसी टाइम उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अलवर के जीडी कॉलेज में गड़िया लोहारों और मेवों के ऐतिहासिक अध्ययन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। इसका आयोजन 19 और 20 दिसंबर को किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा रखा गया है। इस दौरान गड़िया लोहारों का मेवाड़ से कूच, प्रमुख गोत्र और रीति रिवाज आदि पर चर्चा होगी। साथ ही इनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। इस आयोजन के अध्यक्ष एवं संरक्षक प्रोफेसर रमेश चंद अग्रवाल हैं। इसके अलावा प्राचार्य और सचिव एवं संयोजक डॉक्टर डीसी चौबे, इतिहास विभाग अध्यक्ष रेखा जोरवाल सह सचिव रहेंगे। दिनांक 19-20 दिसंबर 2017 को गाड़िया लोहार और मेव जाति के ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन करवाने जा रहे हैं और इसका इसमें हम लोग उनका जो गाड़िया लोहार है उनका सामाजिक धार्मिक और जो उनका जीवन शैली है उनका उनकी मेन व्रत है त्यौहार एंड जो भी प्रथाएं उन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया उसकी वजह क्या रही और इनका जो आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो कैसा है ये सब हम जानकारी इस सेमिनार के माध्यम से हम लोग जुटाएंगे। 19-20 दिसंबर को जीडी कॉलेज अलवर में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और गौरी देवी राष्ट्रीय महिला महाविद्यालय के तत्वाधान में गाड़िया लोहारों और मेवों के ऐतिहासिक अध्ययन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत में विभिन्न जातियाँ जनजातियाँ जो समूह हैं उनमें काफ़ी दृढ़ता आ गई है। उन सबका अपना अलग अलग एक सामाजिक और उनके परिवार उनकी अलग अलग स्थिति है। इन सबके अध्ययन के लिए इनकी उत्पत्ति जीवन शैली संस्कृति विकास उत्थान संबंधी अन्य बातों पर विचार विमर्श करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें दो अलग अलग विषय रखे गए हैं। गाड़िया लोहारों के संबंधित 6 विषय रखे गए हैं और मेवों के ऐतिहासिक अध्ययन पर 9 विषय रखे गए हैं जो विभिन्न सत्रों में 2 दिन तक ये हमारी संगोष्ठी चलेगी। अलवर सर्किट हाउस में शहर विधानसभा क्षेत्र के बिजली संबंधित समस्याओं को आज ऊर्जा मंत्री ने सुना। मंत्री पुष्पेंद्र राणा के सामने कई परिवादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे जिनका समाधान किया गया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में मंत्री ने बताया कि इस समय छीजत कम करने सहित घाटे को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के जन संवाद रखे जा रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी। ऊर्जा एक ऐसा महकमा है जिसमें आम लोग मतलब से जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसा विभाग है जिसमें आम हर व्यक्ति को हर उपभोक्ता को इसकी आवश्यकता है और दिन दिन मतलब इसके हर व्यक्ति मतलब जो घर में परिवार में रहता है दिन दिन उनके अप्लायंसेस बढ़ते हैं दिन दिन उनके मतलब आपका बिजली का कंजम्पशन भी बढ़ता है तो उसको ध्यान में रखते हुए मतलब पूरे राजस्थान में मतलब ने मतलब हर सर्कल वाइज कई ब्लॉक्स में भी मैंने मतलब किया है और जो भी समस्या है मैं समस्याओं का हम समाधान भी करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय 12th प्लान के तहत RAP DRP के तहत हमने ऐसे मतलब शहरों को भी मजबूत किया है उसके तंत्रों को मजबूत किया है GSS एस्टेब्लिश किया है और अभी IPDS के माध्यम से भी हम और दीनदयाल का जो अभी फेज चरण काम स्टार्ट हुआ है आने वाले समय में मतलब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री की जो इच्छा जाहिर की है कि प्रत्येक घर को मतलब विद्युत कनेक्शन दें। सौभाग्य इस योजना के बाद में सौभाग्य योजना में हम जो प्रपोजल जो भेजेंगे जिसमें BPL को तो फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन होगा और जो भी APL होगा जिसके पास डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं है उसको 500 रुपये
में मतलब उसको कनेक्शन देंगे, वो भी हम 10 किस्त में उससे लेंगे। जो प्रधानमंत्री ने सौभाग्य योजना जो अभी घोषणा की है उसके तहत भी हम मतलब उसको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत मतलब जब इसकी रिपोर्ट तैयार होगी तो हम केंद्र सरकार को भेजेंगे, उस योजना का भी हम इस पूरे राजस्थान में लाभ देंगे। कितना समय लग जाएगा? ये दीनदयाल योजना तो अभी चालू हुई है, हाँ नहीं दीनदयाल सौभाग्य योजना के प्रपोजल हम महीने भर के अंदर मतलब केंद्र सरकार को भेज देंगे। उधर जन सुनवाई में आए एक परिवादी का आरोप था कि उसे बिजली चोरी के झूठे मुकदमे में फंसाया गया। इसके लिए उसकी गलत VCR भरने के साथ ही बिजली चोरी की फर्जी फोटो लगाकर केस बनाया गया। वहीं तिजारा रोड फाटक इलाके के एक अन्य परिवादी ने वर्ष 2011 में डिमांड नोटिस भरने के बावजूद अभी तक लोड नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया। एनी भी थाने में मतलब राधेश्याम शर्मा नाम का एक सिपाही है, वो गाड़ी लेकर गए हमारे पड़ोस में, बोरिंग हो रही थी पानी पीने के पानी करना, उसने वो जाकर उपाधि मंजूर लिया। उसके थोड़ी भी देर बाद में उन्होंने 3,000 रुपये हमारे सामने दिए और बोरिंग चालू करवा के वो चल दिए। तो हमने उनको उल्टी सीधी सुनाई, मतलब है अब मंजूरी बन गई क्या रिश्वत लेने के बाद में। तो उसका रिश्ते में भाई है जो बिजली विभाग में, वो 4-5 दिन बाद ही गया और हमारे मीटर को उतार लाया और हमारे मतलब है वो बिजली चोरी की VCR भर के हमारे खिलाफ लगा। और VCR में ये लिखा है, VCR मेरे पास एक LT लाइन में 2 तार लगा करके और चोरी कर गया, जबकि हमारे घर के पास में कोई LT लाइन नहीं है। एक बात है, दूसरी बात ये, अब उन्होंने फोटो खींच करके और शामिल किए हैं उसमें VCR के साथ में, वो फोटो पता नहीं कहाँ के, हमारे वहाँ पर आज भी चल के देख लीजिए, इस तरह का कोई हमारे वहाँ नक्शा मौका नहीं है जो इस तरह के फोटो कहाँ से लेकर आए, इस तरह की झूठी VCR रंजिश लगाई हमारे पर। ये वो 30 में देख कई साल हो गई, जब इस हम बिगड़ बिजली के मतलब परेशान रहते। जो है मेरी समस्या ये है कि मेरा सन 2011 में 5 किलोवाट का जो मेरा जो है कनेक्शन हुआ के लिए मैंने आवेदन किया और इसके डिमांड चार्ज में भर चुका हूँ, पूरा पैसा निगम को दे चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक मेरा 3 फेज का कनेक्शन नहीं हुआ। मेरे जो बिजली के उपकरण है वो भी काफ़ी फूक गए और जो है लाइट भी बहुत कम आती है और न AC चलता है न कुछ नहीं चलता आज तक। अब वो तो ये आनाकानी करते, मैं ऐसे हिसाब से मिल चुका हूँ, AEM से मिल चुका हूँ, JEM से मिल चुका हूँ, अब करवाएंगे ये मामला सब। अब मैं तो इसके पीछे काफ़ी साल से लगा पड़ा हूँ, कनेक्शन लिए थे मैंने 2011 में कनेक्शन लिए थे 5 किलोवाट का और सिंगल फेज मेरे लाइट आ रही है 3 फेज का, जबकि मैंने पैसे जमा करा दिए उसमें घर का कनेक्शन। इस दौरान शहर विधायक बनवालाल सिंगल, भाजपा अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, सभापति अशोक खन्ना, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता, उपसभापति शशि तिवाड़ी और उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी मौजूद रहे। साथ ही महिला मोर्चा से सुशीला यादव, मधु आर्य, पूनम गुर्जर, अंजू शर्मा और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री का जोर शोर के साथ स्वागत भी किया। राजस्थान में 30 डॉक्टर की गिरफ्तार, हड़ताल पर सरकार का चला डंडा, मांगों पर अड़े चिकित्सक। राहुल गांधी बने फुल टाइम प्रेसिडेंट, चुनौतियों के बीच संभाली कांग्रेस की कमान, सोनिया ने ली विदाई। उपचुनाव से पहले उद्घाटनों की हुई भरमार, भाजपा MLA हुए सक्रिय, करोड़ों की मिली सौगात। और किसानों ने निकाली चेतावनी रैली, नदियों के पानी सहित उठाई कई मांग, सरकार के खिलाफ लगाए नारे।